हेलो एग्रियंस, हेलो एग्रियंस। मैं अभिनय नागौरी आपके अपने एग्रीफाय चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एनएससी के आंसर की दोस्तों 2 दिन में अपडेट हो जाएगी। आज जैसे 2 दिन हो गए हैं ट्रेनीमेट के आंसर की मैंने आपको अपलोड करने का बोला था। ट्रेनीमेट के आंसर की मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। बाकी ऑफिशियल आंसर की दोस्तों, आप ये ऑफिशियल आंसर की है, आप ऑफिशियल आंसर की यहाँ से चेक कर सकते हैं। आपको कैसे चेक करना है, आपको जाना है नेशनल सीट कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पर। वहाँ आपको जाना है कैरियर पे आपको ऑप्शन मिलेगा करंट और आर्चीव। तो आप करंट में जाएंगे, वहाँ पे आपको वैकेंसी के नीचे दिखेगा फीडबैक फॉर आंसर की। फीडबैक ऑफ आंसर की के लिए आप यहाँ आएंगे, तो यहाँ आपको फिर आपको यहाँ पे अपडेट करना है आपका रोल नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ। आप यहाँ पे डाल देंगे रोल नंबर डेट ऑफ बर्थ, डालने के बाद आपको इस तरह का पूरा आ जाएगा। इसके लिए दोस्तों आप आंसर की के फीडबैक भी दे सकते हैं। अगर आपको कोई फीडबैक हो तो यहाँ जाके एवेलुएट द बिलो मेंशनड लिंक, यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप करेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आया तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको बता दूंगा आपको कैसे करना है। अभी हम बात करते हैं ट्रेनी मेट के पेपर के बारे में, उसके बाद हम ट्रेनी मार्केटिंग डिस्कस करेंगे, फिर ट्रेनी एग्रीकल्चर डिस्कस करेंगे। हम तीनों पेपर आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेनी मेट, जो कि बहुत लोगों को वेटिंग था। तो ये ट्रेनी मेट का पेपर 14 अप्रैल को जो हुआ था, 14 अप्रैल का पेपर ट्रेनी मेट का, इसके आंसर की मैं आपको इन शॉर्ट 50 फटाफट आंसर बता देता हूँ आपका। दोस्तों फर्स्ट आएगा द डायमीटर ऑफ क्ले पार्टिकल इज लेस देन 0.002 mm, सेक्शन ए है दोस्तों। ये मेन क्रॉप ग्रेन क्रॉप मोस्ट सेंसिटिव टू सॉइल एसिडिटी इज, तो ये है आपकी बार्ले। इसका आपका जो आ जाएगा बार्ले। विच इज द मोस्ट ड्रॉफ रेसिस्टेंट क्रॉप, तो ये आपकी आ जाएगी पर्ल मिलेट। इसका आंसर आ जाएगा आपका पर्ल मिलेट। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज यूज्ड फॉर रिक्लेमेशन ऑफ उसर ऑयल, तो ये आ जाएगा आपका जिप्सम। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसेट्स ऑफ लेग हॉर्न्स के द्वीप में पाए जाते हैं, तो ये आपके पैंक्रियाज होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रतिमूत्रलता हार्मोन जो है GDH, वो है आपका वेसोप्रेसिन। इसके बाद में पुनरावर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, ये आपका हेकल ने किया था। मोस्ट इफेक्टिव फर्टिलाइजर टू एसिड सॉइल, ये आपका रॉक फॉस्फेट है। इन व्हाट फॉर्म जिंक इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स, ये आपका ZN++, ये आपको मॉक टेस्ट में बताया था मैंने। हाइड्रा की देग हुआ बॉडी कैविटी, ये आपकी कौन सिलेंट्रान होती है। एनल सरसाई आर फाउंड इन, ये आपकी बोथ और मेल एंड फीमेल होता है। ओमेटिडी आर फाउंड इन द आइज ऑफ, तो ये इंसेक्ट होगा। विच इंसेक्ट प्रोड्यूस वैक्स, तो ये हनी भी आ जाएगा। रुधिर जमाव के लिए विटामिन आवश्यक है, आपका विटामिन के। द प्रेजेंटेशन ऑफ कंपोजिटी इज आ जाएगा आपका बेसल। अगला, ए डिस्टिंक्ट मोनोकॉट कैरेक्टर शोन बाय द फ्लावर्स ऑफ लिलियसी, ये आपका हो जाएगा त्रिभागी पुष्प। द कोलियोप्टाइल इन ग्रास सीडलिंग इज, ये आपका आ जाएगा सीड ग्राउंड इमर्जिंग लीफ। अगला, द फ्लेगलेट लार्वा ऑफ ल्यूकोसोलिनिया, तो ये आ जाएगा आपका पेरेन्काइमा। अगला क्वेश्चन है कौन सी आलू की प्रजाति नहीं है, तो ये कुफरी कुमार नहीं है, बाकी कुफरी नवीन, कुफरी अलंकार, कुफरी कुंदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीड्स एवं पार्ट्स साख तोड़ाई की जाती है, तो ये आपकी की जाती है टोबेको में। जीनिंग परसेंटेज इन कॉटन मीन्स, तो ये आपका आ जाएगा परसेंटेज ऑफ कॉटन फाइबर। कंटूर फार्मिंग मीन्स, तो ये आ जाएगा आपका ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन लैंड ऑफ सेम एलिवेशन। द प्रोसेस ऑफ फास्टनिंग इन प्लाउ टू योक इज कॉल्ड, ये आपका हिचिंग कहलाएगा। 24 का आपका थर्ड ऑप्शन राइट है, 25 का सेकंड ऑप्शन राइट है, 25 to 30 cm पर हेक्टेयर। एग्रोनॉमी मीन्स सॉइल एंड क्रॉप मैनेजमेंट। मैच बिलोंग्स टू द फैमिली आपकी पोएसी, जिसको ग्रैमिनी भी कहा जाता है। विच क्रॉप हैज मैक्सिमम प्रोडक्शन इन इंडिया, आपकी राइस आ जाएगा। विच इज मिसमैच्ड हेमिप्टेरा टर्माइट, ये आपका मिसमैच है, ये आइसोप्टेरा होता है क्योंकि। ए इंसेक्ट स्टोमक इज ए पार्ट ऑफ मिडगट। द सोइंग टाइम ऑफ पर्ल मिलेट, ये आपका अगस्त हो जाएगा। द सोइंग टाइप ऑफ बरसीम अक्टूबर। नीपिंग जो है इंड्यूस ब्रांचिंग कर देता है। स्प्राउटिंग ऑफ पोटेटो आपका जिब्रेलिन, जिब्रेलिन के कारण आपका आलू में अंकुरण का कारण है। ए जीन इज मैनली इंटायरली मेड अप ऑफ DNA, दोस्तों ये आंसर गलत दिया, आप इसमें फीडबैक दे सकते हैं। इसका दोस्तों जीन मुख्यतः प्रोटीन का बना होता है, ना कि DNA का।
ठीक है दोस्तों, जीन मुख्यतः बना होता है प्रोटीन का, तो इसका ए ऑप्शन आएगा दोस्तों। ये आंसर गलत दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन आएगा इसका। कुछ पुष्प दिन में खिलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं, ये आपका कहलाएगा फोटोनेस्टी। मत्स्य पालन 37 का फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। वुड पिकर बर्ड बिलोंग टू द ऑर्डर, ये आपका पिकी फॉर्म्स कहलाता है। ट्यूबर ऑफ सोलेनम ट्यूबरोसम, ये आपका मॉडिफाइड स्टेम होगा। इन्फ्लोरेसेंस ऑफ मस्टर्ड प्लांट इज रेसिमोस। क्रॉस पोलिनेशन पोलन ऑफ डिफरेंट प्लांट। रेडियल वेस्कुलर बंडल इज फाउंड इन रूट्स, ये आपका रूट्स में पाया जाएगा। द स्पाइंस ऑफ फ्रूट्स ऑफ ट्रेपा, ये सेपल्स हो जाएगा। रेनी सीजन ऑनियन वेराइटी आपकी खरीफ में सोइंग की जाती है N53 की। 45 आइडेंटिफाई द कॉमन एडिबल पार्ट ऑफ स्वीट पोटेटो, ये आपका रूट होता है। आइडेंटिफाई द बल्ब क्रॉप इन द फॉलोइंग, तो ये आपका ऑनियन हो जाएगा। आइडेंटिफाई कोल क्रॉप, कोल क्रॉप आपकी नॉलखोल हो जाएगी 47 का फर्स्ट। 48 का आपका ऑप्शन है फर्स्ट कुकुरबिटेसी, खरबूज आपका कुकुरबिटेसी कुल में आता है। 49 की बात की जाए दो, ये आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैरेक्टर किससे प्रो होता है, तो ये आपका 3:1 से प्रो होगा। क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ग्रोन इन सेम हैबिटेट, ये आपका फूड एंड लाइट के लिए ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है आपका, सीवियर कॉम्पिटिशन। 51 लाइसोसोम आर द स्टोर हाउस ऑफ, तो ये आपका हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। द जेनेटिक सिस्टम द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, तो ये आपका जगह डिफर द रिस्पेक्ट द प्रोकैरियोट लैक हिस्टोन्स। अगला क्वेश्चन प्रेजेंस ऑफ डीएनए, ये आपका आ जाएगा 53 का। माइटोकांड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ डेजिग्नेटेड एज इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। 54 की बात की जाए तो द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस दैट डीएनए इज द जेनेटिक, तो ये आपका आ जाएगा स्टडीज ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल। मियोसिस क्या इन्वॉल्व होते हैं, मियोसिस में आपका इन्वॉल्व है 2 डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड 1 डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम्स। 56 द रेजिन डक्ट ऑफ ए जिम्नोस्पर्म स्टेम इज एन, तो यह आ जाएगी आपकी स्क्यूजेंस कैविटी। पॉम फ्रूट क्यों होता है, पॉम फ्रूट आपका इट इज एक्चुअल फ्रूट इज लोकेटेड वाइट इन ए एडिबल फ्लेसी थैलेमस। दोस्तों अपने मॉक टेस्ट से बहुत से क्वेश्चन आए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे लेग्यूमिनेसी के 3 उपकुल किस मुख्य आधार पर पहचाने जाते हैं, तो नेचर ऑफ कोरोला एंड स्टेमस। ये दोस्तों थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका -5 बार। पोस्ट एनल टाल इज फाउंड इन, नॉट फाउंड इन, तो कॉकरोच में नहीं पाई जाती, बाकी तीनों में आपकी पाई जाती है। हार्मोन माता के शिशु स्तनपान के समय दूध निकलने को उद्दीप्त करता है आपका ऑक्सीटोसिन। मल्चिंग इज ए प्रोसेस दैट मॉइस्चर कंजर्वेशन। हेट्रोफेलस प्लांट्स आर फाउंड इन रूटेड एंड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। ठीक है अगला क्वेश्चन द डाई एटम्स, तो ये आपका सिलिशियस वॉल होती है इसके कारण ये आपका होता है आसानी से सड़ते नहीं है। विच ऑफ द दिस आर्टरीज कैरीज इम्प्योर ब्लड, तो इम्प्योर ब्लड होता है आपका पल्मोनरी में। विच ऑफ दिस एज थिकेस्ट वाल, थिकेस्ट वाल होती है आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल में। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड डिस्क आर फाउंड इन, इंटीग्रेटेड आपकी कार्डियक मसल्स में होती है। विच इज फाउंड इन बर्ड्स, तो बर्ड्स में आपका यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है दोस्तों, नॉट फाउंड। विच नेफ्रिडिया ऑफ अर्थवर्म इज एक्सोफेरिक, तो ये आपका इंटेगोमेंट्री है। अगला क्वेश्चन है 70 इन प्लांट्स कॉमन सिम्टम कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ ब्लेंडिंग ऑफ लीफ टिप, 71 का आपका सेकंड ऑप्शन राइट है, 72 का आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 73 की बात की जाए तो 73 में आपका राइट होगा हेलियोट्रॉपिक चैम्बर, फर्स्ट ऑप्शन राइट आ जाएगा। 74 का फर्स्ट, 75 का भी फर्स्ट, 76 का सेकंड, 77 का थर्ड, 78 का फोर्थ, 79 का आ जाएगा आपका सेकंड, 80 का जाएगा आपका कॉर्पल एलर्टा जुवेनाइल हार्मोन का। 81 की बात की जाए तो 81 का आपका फोर्थ ऑप्शन राइट है, 82 का थर्ड, 83 आइडेंटिफाई उस सब्जी को पहचानो इसमें लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो आपकी फेनुग्रीक में होती है। कौन सब्जी में विटामिन ए सबसे अधिक, आपका कैरेट में होता है। ब्लैक हार्ट इन कॉलीफ्लावर कॉज्ड बाय बोरान। लेग्यूम्स वेजिटेबल प्रोटीन। विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल नीड्स वेरी लो टेम्परेचर, तो ये ऑल वेराइटीज ऑफ केवेज। ये आपका 88 का फोर्थ डिस्केरो, 89 का फर्स्ट अल्पाइन, 90 का आ जाएगा आपका फोर्थ, 91 का आ जाएगा फोर्थ, 95 का आ जाएगा आपका थ्री बॉडी पार्ट विच इज नॉट फाउंड इन बफेलो, तो आपका डेवलप आ जाएगा।
93 का आ जाएगा आपका स्क्लेनो द्रवरुत्की जो होता है स्क्लेनोकाइमा, 94 का आ जाएगा आपका फोर्थ, 95 का आएगा आपका थर्ड, 96 का आपका आ जाएगा थर्ड, वापस मस्टर्ड फैमिली आपकी क्रूसीफेरी है, 97 का सेकंड, 98 का आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट है, 50% आ जाएगा आपका, 99 की बात की जाए तो फोर्थ और 100 का आपका फर्स्ट है। ठीक है दोस्तों, ये पेपर आपका ख़त्म होता है आपका ट्रेनी मेट का। इसके बाद हम ट्रेनी मार्केटिंग अगले वीडियो में लाते हैं, ट्रेनी मेट और ट्रेनी एग्रीकल्चर। दोस्तों थैंक यू सो मच।